एस्टेन देख बाला संदाही दर्शकाना मारा आडिसु गणो गणो राम राम आपनी हाड़ोती में आपका लारा मुचू आपको साथी राकेश आप खबरा हाड़ोती सु पन सबसु पहली नजर आज की सुर्खियां पर। मुंबई को ड्रग तस्कर कोटा में गिरफ्तार बाग बाकी फिराक मचो एनसीबी और मुंबई कताई भी छी तलाश। दारूडिया बेटा की करतूत मापा ईंटसू करो हमलो मां की उपचार के दौरान हुई मौत। और दारू में जहरीलो पदार्थ मलार पुआबा को मामलो घरवाला ने भाईला पर लगायो हत्या को आरोप। अब खबर विस्तार सु कोटा पुलिस का ताए एक बड़ी सफलता हाथ लागी छ। कोटा पुलिस ने एनसीबी मुंबई की सूचना पर ड्रग सप्लायर दानिश मर्चेंट उर्फ चिकना फंटम कताए गिरफ्तार करो छ। तस्कर दानिश मुंबई का डोंगरी इलाका से फरार हो छो वो लगातार अपना ठिकाना भी बदल रहे छो। जहाँ कोटा में जारी नाइट कर्फ्यू के दौरान वो कोटा से बारह खडबा की फिराक में छो। वो भगत ही पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार कताई रोक्यो तो कार में सवार लोगों की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। वहीं कार चालक पुलिस कताई देख कर फरार हो गयो। पुलिस ने कार कताई जब्त करता हुआ कार की तलाशी ली तो उमा 170 ग्राम चरस बरामद हुई। जिस पर कार सवार युवक कताई एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लियो गयो। वहीं फरार कार चालक की भी तलाश जारी छ। इनामी बदमाश हिस्ट्री शीटर दानिश मर्चेंट उर्फ चिकना फंटम मुंबई का डोंगरी इलाका को रहा वालो छ। वो काफी शातिर होबा का साथ साथ में अंडरवर्ल्ड को एक गैंग को खास गुर्गो भी बतायो जा रही छ। फिलहाल कोटा पुलिस ने उनको कोई भी गैंग से संबंध होबा से इनकार करो छ। कोटा पुलिस ने एनसीबी मुंबई और मुंबई पुलिस के ताई एक ही सूचना दे दी छ। जल्द ही एनसीबी उनको ताई लेबा कोटा फूगगी। तो चेकिंग के दौरान हमें करीब 160 ग्राम चरस उसमें से बरामद हुई। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उस चरस के संबंध में उससे पूछताछ की गई तो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन और पोजेशन उस चरस का उसके पास था। व्यक्ति का नाम दानिश मर्चेंट अलियास दानिश चिकना उर्फ फैंटम सन ऑफ अशरफ मर्चेंट उम्र करीब 32 साल निवासी नूरविला डूंगरी मुंबई का है। इस व्यक्ति को लाके इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया और इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। तो इसके पूर्व में भी मुंबई पुलिस में और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में अवैध मादक पदार्थों से रिलेटेड मारपीट से रिलेटेड मुकदमे दर्ज मिले। इस संबंध में हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी वहाँ से चल दिए हैं, यहाँ मौके पर पहुँच रहे होंगे और वो इस संबंध में अग्रिम इन्वेस्टिगेशन अपने मुकदमों के संबंध। कोटा में एक बार फिर रिश्ता कताए शर्मसार करबा को मामलो सामने आयो छ। जहाँ एक नशेड़ी बेटा ना अपने ही माँ को कत्ल कर दियो। मामलो शहर का उद्योग नगर थाना इलाका को छ। शराब का नशा में चूर युवक न अपने बुजुर्ग मासू अपनी मारपीट करी उकताए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ो जहाँ उनकी उपचार के दौरान मौत होगी। मृतका राजकुमारी डीसीएम इलाका की रबा वाली छी। उनका दो बेटा छ। बड़ा बेटो अजमेर रेवेन्यू विभाग में सर्विस करे छ जबकि छोटो बेटो उनका लारा ही रह छ। छोटो बेटो शराब को आदि छ। दो दिन पहले ही शराब का नशा में उन्हें अपनी माँ के साथ मारपीट करी छी और पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजना कताए सौंप दियो और हत्या को मामलो दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक पिता की मौत के बाद में बड़ो बेटो रविकांत की नौकरी लाग गई थी। रविकांत अजमेर रह छ और मृतका राजकुमारी अब का छोटा बेटा शशिकांत का लारा ही रह छे। शशिकांत का दो बच्चा भी छ। पासला 3-4 महीना सु उनकी पत्नी बच्चा का तय लेर फिर चल गई थी। 31 मार्च के दिन शशिकांत ने शराब का नशा में उनकी माँ पर ईंट से वार कर दियो और सिर पर गंभीर चोट लागबासु बुजुर्ग महिला का तय एम्बेस अस्पताल में भर्ती करवाई गयो। एम्बेस अस्पताल में भी शराबी बेटो लड़खड़ा तो रहो। हालत गंभीर हो बापा पुलिस महिला का बयान न ले सकी। महिला का तय दो दिन से अस्पताल में इलाज चल रही छो। शुक्रवार सुबह महिला की मौत होगी। जानकारी के मुताबिक राजकुमारी का पेंशन भी आउची। पेंशन का पैसा लेबा के लेकर छोटो बेटो झगड़ तो रहो छो और अपनी मासू मारपीट भी करो छो।
31 मार्च के दिन उन्हें एड्स अपनी माँ के ऊपर वार कर दियो। ध्यान तो चुका है जानकारी मिली थी, अजमेर से आया जब एडमिट थी, दो दिन एडमिट कल एड्स पर हुई। वो लड़का शराब पीता था क्या? शराब पीता शुरू से पीता शराब। उसने पहले भी कभी मारपीट की? ये तो नीचे सत्ता में लगे पड़ोसों ने कहा करिए, पड़ोसों ने कहा करिए, बाकी तो अभी पीड़िता राजकुमारी जेर इलाज थी और बयान देने की स्थिति में नहीं था, उसके परिजन कोई नहीं था। दिनांक 1 को वापस पुनः बयान लेने के लिए आए, फिर तो उस दिन भी कल भी बयान देने की स्थिति में नहीं थी। आज दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत उसके मृतका के भाई राजेंद्र ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी कि राजकुमारी के साथ उसका लड़का शशिकांत रहता था, जिसने उसको मारपीट करके और हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई। राजेंद्र की रिपोर्ट पर 302 में मुकदमा दर्ज कर मुलजिम की तलाश जारी है। अंता में शराब में जहरीलो पदार्थ पायो गयो, युवकताए पिलार हत्या करबा को मामलो सामने आयो छे। मामलो संदिग्ध लागबा पर पुलिस ना शव को मेडिकल बोर्ड सु पोस्टमार्टम करवायो और जांच में जुटी हुई छे। मृतक का बड़ा भाई ने बतायो क भंवरगढ़ निवासी उनको छोटो भाई जुगराज होली पर बालाखेड़ा अपना दोस्त के पास में आयो हुए छो। गुरुवार शाम न उनका दोस्त उनके ताए बाइक पर बठाणर दाए मुख्य नहर पर ले गया, जहां उनके ताए शराब के साथ में जहरीलो पदार्थ पिलार उनकी हत्या कर दी। परिजना की रिपोर्ट पर मामलो दर्ज कर लियो गयो छे और अंता पुलिस मामला की जांच में जुटी छे। दो जने लेके गया नहर पे, नहर पे लेके जाके दारू पिला के मेरे भाई को दवाई पिला दी और मेरे को बद्दी लगी, तो फिर मैं भाग के आया उधर से घर पे से, फिर मैं उस चप्पा का नाम लेके आया तो अस्पताल में आते आते दम तोड़ दिए। और वो दोनों युवक दोनों भाग गया उधर से। तो क्या रिश्तेदारी में थे क्या तुम्हारे? कुछ भी नहीं, हमारी रिश्तेदारी में बोरगढ़ का रहने वाला, यहाँ अपने पुपा जगन्नाथ वाला खेड़ा जी, यहाँ ये दो दिन अहमदाबाद जाने के लिए आया था ये, फिर अपने दोस्तों के साथ इसने दाइमु के नर पर शराब उड़ा पी, अधिक शराब पीने से ये बेहोश होने से या मृत होने से ये इसके घर वाले इसको वह बोरगढ़ ले गए। बोरगढ़ में घर वालों के कहने से बोरगढ़ थाने पर रिपोर्ट कराने पहुँच गए, यातायात पुलिस ने अतिक्रमण रोकबा की पहल करी छ। यातायात पुलिस के आदेश शहर का प्रमुख चौराया मार्ग पर सब्जी ठेला और ऑटो चालका के द्वारा अवैध रूप से पार्किंग कर अतिक्रमण कर मल्यो छो, जिसो यातायात बाधित हो रो छो और जाम का हालात बन जाओ छा। ऐसा में पुलिस ने अतिक्रमण का लगाम लगाबा के लेख मुख्य मार्ग और चौराहे पर मार्किंग करवाई छ, ताकि कोई भी फल सब्जी को ठेलो लगाबा वालो मार्किंग सु आगर न बढ़ सका और ना ही कोई ऑटो संचालक चौराहे पर वो मार्किंग सु आगर अपनो ऑटो लगा सका। अगर मार्किंग को उल्लंघन करो गयो तो वहाँ के खिलाफ कार्रवाई की जाओगी और चालान भी बनाए जाओगे। जैसे यातायात में बाधा आने की बात है, जिसमें अवरोध आने की बात है, उन सब चीज़ों को हम चिन्हित कर रहे हैं और उसके लिए हमने हमारे साथ मजदूर लेके और बाकायदा पेंट लगा रहे हैं, जिससे एक डिमार्केशन करके और ऑटो ठेले वाला या अन्य कोई व्हीकल वाला जो भी है उनके लिए एक लाइनिंग करके हम बताना चाह रहे हैं, उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमने आपको डिमार्क करके ये एरिया दे दिया, इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। यदि आप इसके आगे बढ़ोगे तो आपके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई हमारे पास में थाने के जरिए या ट्रैफिक स्टाफ के जरिए उन सबको अमल में लाया जाएगा। मोटपुर में एक युवक ने सल्फास खार आत्महत्या को प्रयास करियो। युवक लेखराज सहरिया मोटपुर को रबा वालो छो, जिकी पत्नी मोटपुर में सरकारी सेवा में छे। युवक ने देर शाम ने शराब पीबा के बाद में सल्फास की गोलियां को सेवन कर लियो, जिकी सूचना पुलिस के ताई मिलबा के बाद में तुरंत आनंद फानन में अटूट चिकित्सालय फुगाए गयो, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद बारा रेफर कर दियो गयो, जहाँ युवक को इलाज जारी छ। वहीं पुलिस आत्महत्या का प्रयास करबा का कारण को पता लगाबा में जुटी हुई छ। कोटा शहर का उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक युवक का साथ में कुछ लोगों ने मारपीट करना की और चाकू मारर घायल कर दियो। घायल युवक अमन को ताई कोटा का एम्बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गयो, जहां उनको उपचार चालू छ। उद्योगनगर थाना का एएसआई मोहम्मद इब्राहिम ने बतायो कि मोनिका नाम की लड़की अमन का साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी।
पण अमन का व्यवहार सु परेशान हो रर वा कुछ समय सु उनका साथ न रही छे। अमन को आरोप छे क मोनिका का परिवार वाला ने ही उनका साथ में मारपीट करी छे। वहीं पुलिस को खबर छे क युवक पर चाकू सु हमलो न करियो गयो। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी छे। 4/2021 को मोनिका जैन थाने पर उपस्थित थाना आई थी, जिसने रिपोर्ट कराई कि मैं लव इन रिलेशनशिप के साथ अमन के साथ रहती थी, परंतु वो मुझे परेशान करता रहता था और आज भी परेशान कर रहा है। इस पर अमन को कल 151 बंद किया था। अमन वापस जाके उसके घर पे गया, जहां उसके परिजनों द्वारा उसके साथ मारपीट की। इस पर वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अमन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र का नानता इलाका में दो नकाबपोश युवकों के द्वारा बाइक सवार युवक कताए चाकू की नोक पर लूट लियो गयो। ये मामला में कुन्हाड़ी पुलिस का हाथ फिलहाल खाली छ। पुलिस कताए मृतक की पत्नी का बयान पर भी शक छ। पुलिस फिलहाल ये मामला की गहनता सु पड़ताल में जुटी हुई छ। गौरतलब छ का मंगलवार का दिन सुबह नयापुरा सु रतन कचोरीवाड़ा का सामना दो नकाबपोश युवका ने एक बाइक सवार कताए लिफ्ट देबा का बायना सु रोक्यो और युवक कताए गाड़ी रोकबा का पश्चात वहाँ दोनों युवका ने मोटरसाइकिल सवार पर चाकू अड़ा दियो और जबरन नानतप का आड़ी ले गया, जहाँ उनके साथ लूट की वारदात कताए अंजाम दियो और उनका तय जहरीलो पदार्थ पिला दियो, जिससे उनकी उपचार के दौरान मौत होगी। घर वालों ने ऐसी रिपोर्ट दी है कि इसकी पत्नी की तरफ से रिपोर्ट आई है कि मेरा पति 30 तारीख को सुबह काम पे निकला था, नयापुरा से उसका अपहरण करके और थर्मल के पीछे की तरफ ले गए चाकू की नोक पे, उसके साथ मारपीट करी और उसको कुछ जहरीला पदार्थ पिला दिया, जिस पर वो घायल अवस्था में उसको भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद में कल उसकी दौरान इलाज मौत हो गई। जो रिपोर्ट दी उसके ऊपर हमने दर्ज करके और हमारी तरफ से अनुसंधान किया जा रहा है, जैसी भी कार्रवाई की जाएगी। बारा का किशनगंज कस्बा में पुरानी रंजिश के ताए लेरर आधा दर्जन युवका ने दुकान पर हमलो कर दियो। हमला में दो सगा भाई घायल हो गया। जाके ताए परिजन किशनगंज चिकित्सालय लेरर पुग्या, जहां सु वहां के ताए बारा रेफर कर दियो। मामलो किशनगंज कस्बा का चौमुखा बाजार को छ, जहां पुरानी रंजिश के ताए लेरर बेकरी की दुकान पर आधा दर्जन लोगा ने दुकान पर बैठिया दो भाइयों पर जानलेवो हमलो कर दियो, जिमा दुकानदार अंशुल 23 वर्षीय और उनको भाई अनुष गंभीर रूप से घायल हो गयो। सूचना मलबा पर किशनगंज पुलिस अस्पताल फूगी। गुमानपुरा थाना इलाका में शुक्रवार के दिन सुबह कचरा का ढेर में आग लग गई। इस रोड पर खड़ी 3 कंडम गाड़ियां जड़ राख होगी। सूचना पर निगम की 3 दमकला मौका पर फूगी। करीब 1 घंटा की मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया जा सको। बताया जा रहा है कि 2 मैजिक 1 बोलेरो गाड़ी कंडम हालत में खड़ी थी, जो पूरी तरह से जल गई। समय रहता आग पर काबू पावासु बड़ो हादसो टल गयो, क्योंकि आसपास मकान दुकाना और गोदाम भी बनया हुआ छ। सहायक अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र गौतम ने बतायो का आकाश मॉल का पाछ पोस्ट ऑफिस का सोडा टायर रिट्रेडिंग की दुकान छ, वहाँ सीट कवर फोम सहित सूखा पत्ता की काफी मात्रा में कचरो पड़े हुए छो। करीब 7 बजे कचरा का ढेर में आग लग गई। आग लागबा वाला स्थान का आसपास पुराना टायर और पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई थी। गाड़ी को सकड़ो रास्तो हो बाकी वजह से आग लागबा वाला स्थान पर दमकल फूकबा में दिक्कतों को सामना करनी पड़ियो। आसपास रिहायशी मकान दुकान और गोदाम भी बने हुए छा। लोगों की गाड़ियां भी रास्ता में खड़ी हुई थी। गनीमत रही का समय पर आग पर काबू पाए गयो, जिका चालता बदो हादसो टल गयो। जली हुई गाड़ियां खिखीची यो हाल साफ न हो पायो। संभवतया कोई न भी जली हुई बीड़ी सिगरेट कचरा का ढेर में फेंकी होगी, जिका कारण सूखा कचरा में आग लग गई। फिलहाल आग लागबा का कारण को पता लगाया जा रही है। प्राप्त हुई के यहाँ पे अपने जो नई सब्जी मंडी है धान मंडी के आकाश मॉल के पीछे 3 कारों के अंदर आग लग रही है। जब हमारी गाड़ी पहुंची आग काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में कचरा पड़ा हुआ है। ये जो गाड़ियाँ रिपेयरिंग करते हैं उनका सारा कचरा यहाँ पे है, पेड़ों के पत्ते हैं। तो अभी गर्मी का सीजन है तो वो उनमें किसी ने आग लगा दिया तो उससे इन गाड़ियों में आग लगी है। कोटा में बाल कल्याण समिति सदस्य का सामना परिजना के द्वारा नाबालिग को बाल विवाह करवाबो और पॉक्सो एक्ट को मामलो सामने आयो छे।
समिति सदस्य विमल जैन के अनुसार कोटा ग्रामीण इलाका में पुलिस ने एक बालिका के ताए मध्य प्रदेश का एक गांव से दस्तयाब करो। काउंसलिंग के दौरान उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। बालिका का परिजन ने कोटा में एक युवक के साथ में उनको बाल विवाह करा दियो। इस दौरान जब वह उनका पति के साथ कोटा आए तो घर से एक युवक के साथ भाग निकले। मुकदमो दर्ज होबा के बाद में पुलिस ने उनका ताई मध्य प्रदेश का गांव से दस्तयाब कर लियो। बालिका समिति द्वारा वो बालिका के ताई बालिका गृह में आश्रय दिलवाई गयो छ और संबंधित थाना पुलिस के ताई परिजन के खिलाफ बाल विवाह करवाबो और पति और उनका ताई भगा ले जाबा वाला युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामलो दर्ज कर जाँच का निर्देश दिया छ। के थाने का मामला है और एक बालिका जो अभी वर्तमान 17 साल की, उसके 5 साल पहले बाल विवाह करा दिया गया तो ये किसी और लड़के के साथ वहाँ से चले गए। जब जाने के बाद उसकी मांग में जब नहीं मिली तो पुलिस ने उसका गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया। तो पुलिस ने इस बच्चे को डाबना मध्य प्रदेश से दस्तयाब किया और दस्तयाब करने के बाद बाल कल्याण समिति समक्ष प्रस्तुत किया। अब इसमें बाल विवाह का भी मैटर बन गया और जहां बाल विवाह में पहले शादी हुई उसके खिलाफ भी पोस्ट लगाया और नए लड़के के साथ जहां गई जिसके साथ गई उसके साथ भी प्लस में पोस्ट दर्ज करके कार्रवाई प्रारंभ। पूरा देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। आंकड़ा दन बदन आसमान छूता ही जा रहा है पर हाल भी कई लोग लापरवाह बने हुआ बैठे और कोरोना के ताए निमंत्रण देता नजर आ रहा है। एस 10 संवाददाता हेमंत जोशी ने शहर का फल सब्जी मंडी को जायजो लियो तो चौंकाबा वाला हालात नजर आया। यहाँ व्यापारियों से लेर किसान और खरीददार ताए बना मास्क के ही नजर आया। कैमरों देखकर लोग अपना चेहरा पर मास्क और रुमाल लगाता भी नजर आया। बीता साल भी यहाँ काफी संख्या में कोरोना संक्रमित मिले छा। मौता को आंकड़ो अतनो बड़ो होबा के बाद भी लोग जागरूक न हो रहा, यो आपन सभी के लेकर बेहद चिंताजनक छ। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। जनता के ताई कोरोना महामारी से बचाव के लेकर वैक्सीनेशन ही एक उपाय छ। ऐसे में आम जन के ताई जागरूक करवा के लेकर जिला प्रशासन, शहर का सामाजिक और व्यापारिक संगठन जागरूकता अभियान चला रहा है। वैक्सीनेशन का प्रति जागरूकता लाबो और लोगों का टीकाकरण करवाबा के लेकर जनरल मर्चेंट एसोसिएशन, श्री सर्राफा बोर्ड, दी होलसेल, होलसेल क्लोथ मर्चेंट एसोसिएशन, टीम जीवनदाता का आडिसु रविवार का दिन वैक्सीनेशन शिविर को आयोजन करो जा रही है जिसमें 45 साल से अधिक उम्र का लोगों का कोरोना वैक्सीन लगाई जाओगी। व्यापारी संगठन ने कोटा की जनता से अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आरआर वैक्सीन को लाभ उठावा। शिविर दीतवार का दिन जेएमएल प्लाजा सभागार में आयोजित करो जाओगी। हाल ही में सरकार ने अनाउंस किया कि 45 वर्ष से अधिक की उम्र के पुरुष, महिला सभी वर्गों को वैक्सीन लगाई जानी है। उस कड़ी में जनरल मर्चेंट एसोसिएशन, श्री सर्राफा बोर्ड, होलसेल क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन और टीम जीवनदाता के सहयोग से 4 अप्रैल रविवार दोपहर सुबह 10 बजे से और 4 बजे तक जीएमए सभागार में कोविड वैक्सीन की पहली डोज सभी नागरिकों के लिए लगाई जा रही है। इसके लिए हमने एक लिंक पूरे सोशल मीडिया पर जारी किया है जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिससे कि आपका व्यवस्थित टीकाकरण हो जाए। 4 बजे तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं जनरल मेडिसिन एसोसिएशन और सभी एसोसिएशन व्यापार संघ के सानिध्य में 4 टीमें हमारी आएंगी। लगभग 1000 का टारगेट है, ज़्यादा भी हो जाए तो हमारी टीमें तैयार हैं। सर का अच्छा हमको सानिध्य मिला हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीके के लिए आमंत्रित करते हैं, लगाएँ। 45 से ऊपर जितने लोग आएंगे उतनी जल्दी उनकी फर्स्ट डोज लगेगी तो सेकंड डोज के लिए भी जो 43वां दिन का टाइम वो भी यहीं लगाई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ क्योंकि पहले 60 का था, अब 45 कर दिया सरकार ने, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एक ये एवरेज जनसंख्या है जो बाहर ज़्यादा निकलती है तो कोरोना फैलने का संभावना इनमें ज़्यादा रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये लोग आएँ और ये एक मास मूवमेंट करें अपन कोटा में ताकि कोटा टॉप पर आए। लगातार बढ़ रहा कोरोना का चालता शहर का आरकेपुरम थाना इलाका में कुछ जगह पर जीरो मोबिलिटी एरियो घोषित करो गयो छ पर फिर भी रात न लोग सड़क पर घूमता नजर आओ छ। मीडिया ने इलाका को दौरे करो जहाँ लोग रात की 9 बजे के बाद भी सड़क पर टहलता नजर आया। कई लोगों ने तो मास्क भी न लगा मिले छो। ऐसे में पुलिस ने सख्ती बरती और बगैर मास्क वाला लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करता हुआ समझाइश करी और मास्क पहनबा की सलाह दी। लगातार बढ़ता जा रहा कोरोना वायरस संक्रमण के ताई रोकबा के लेकर प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहे छे।
बूंदी जिला का हिंडोली पंचायत समिति सभागार में प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जनसुनवाई करी। जनसुनवाई के दौरान मंत्री जनता से रूबरू होता होया जनता की समस्या कताएं सुनियो और मौका पर ही संबंधित अधिकारी कताएं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। जनसुनवाई के दौरान छात्राओं ने 3 वर्ष छात्रवृत्ति न मिलवाना लेरर भी मंत्री कताएं अवगत करवायो। तो वहीं एक जना ने जनता जल योजना के तहत बिजली कनेक्शन काटबो और एक अन्य किसान ने भी बिजली का कनेक्शन काटबा संबंधी शिकायत से अवगत करवायो। तो मंत्री ने अधीक्षण अभियंता कताई हिदायत दी का अगर कोई भी पैसा बाकी होगा तो भी जनता जल योजना को कनेक्शन न काटे जाओ और कनेक्शन काटवा से पूर्व जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। वहीं नरेगा में पिछला 3 वर्ष से भुगतान अटकबा को मामलों भी उठ्यो। वहीं एक पीड़िता का परिजना ने दुष्कर्म आरोपी स्कूल संचालक के खिलाफ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार न करवा को आरोप लगायो। जी पर मंत्री ने मामला के तय गंभीरता से मानते हुए पुलिस अधीक्षक से आरोपी के तय भगोड़ो घोषित करबो और दुष्कर्मी स्कूल संचालक की संपत्ति कुर्क करबो और स्कूल का ताड़ो लगावा की बात भी की। बैठक में जिला कलेक्टर SP समेत सभी संबंधित विभाग का अधिकारी मौजूद रहा। शीतलाष्टमी को पर्व शुक्रवार का दिन श्रद्धापूर्वक मनाया गयो। महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना करी। एक क्रम में शुक्रवार का दिन महिलाओं को द्वारा शीतला माता की पूजा कर ठंडो बासी को भोग लगाया गयो और सुबह से ही महिला मंदिर में फूकबा लाग गई थी। वहीं कोरोना का चालता पुजारी ने बना मास्क का महिलाओं के तय अंदर प्रवेश न दियो। मास्क के साथ ही महिलाओं के तय प्रवेश दियो गयो। महिलाओं को खबर होली का आर्दन बाद माता शीतला की पूजा की जाओ छ। ई दिन माता के तय रात को बने भोजन को भोग लगाई जाओ छ और ठंडा बासी का भोग लगा के माता को भोग अर्पण किया है और होली के 7 दिन बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। घर में पुए पकौड़ी बना के और भोग लगा के माता जी को सुख समृद्धि के लिए ठंडी किया है हमने और इनके घर में सब सुख समृद्धि के लिए इनकी पूजा की जाती है आज के दिन। 3:30 बजे से महिलाएं आ जाती है और सुबह 3:30 बजे से सभी महिलाएं यहाँ पे आगे पूजा करती है, पूजा अर्चना शुरू होती है और कोरोना को देखते हुए सबको मास्क लगा के अनिवार्य है। तो आज की वैसे तो ये सप्तमी है, शीतला सप्तमी होती है, ये ठंडा वास्य होता है इसमें और इसमें सबकी मनोकामनाएं जो भी पूर्ण होती है, जो बच्चों के जो चेचक माता निकलती है उसका भी बहुत उसमें फैव होता है, माता का होता है इसमें। रणथंभौर में बाघा की संख्या में इजाफा होबा के साथ ही भालू का दीदार भी पर्यटक कताए अधिक होबा लाग रहा है। यहाँ दना रणथंभौर का बाहरी जोन 6, 8, 9 और 10 में पर्यटक कताए बाघा की साइटिंग के साथ साथ भालू की साइटिंग भी खूब हो रही है। वन्य जीव विशेषज्ञ की माना तो भालुआ की औसत उम्र करीब 29 वर्ष हो और भालुआ का नाखून नुकीला होबा के कारण बाघ भी भालुआ पर हमलों करवासु डर छ। वनाधिकारियों के अनुसार रणथंभौर में पिछला कुछ साल में ग्रास लैंड काफी विकसित होया छ। रणथंभौर में ग्रास लैंड विकसित होबासु भालुआ की संख्या में भी वृद्धि हुई छ जो वन और वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से सुखद खबर छ। रणथंभौर में जहाँ साल 2014-15 में भालुआ की संख्या महज 670 थी वहीं भालुआ की संख्या अब 100 के करीब पहुंच गई छ। ऐसा में रणथंभौर भ्रमण पर आबावाला सैलानी कताए बाघा के साथ साथ यहाँ भालुआ की भी अच्छी साइटिंग हो रही छ। तादाद बढ़ रही है घट रही है इसके बारे में तो जब फाइनल सेंसस के फिगर आएंगे तभी बता सकते हैं, लेकिन भालू की साइटिंग हो जाती है और जब ड्राई सीजन होता है तो भालू ज़्यादा दिखता है, पानी के आसपास दिखता है, फूड बियरिंग ट्रीज के आसपास दिखता है। अब इन दिनों कई सारे बर्गर पीपल इनमें फ्रूट आते हैं, गूलर में फ्रूट आते हैं तो उसका काफ़ी आ जाता है और अब आने वाले समय में थोड़ी गर्मी बढ़ेगी तो आम है, जामुन है, इनके आसपास घूमता रहता है भालू। और भालू निश्चित रूप से भालू के लिए एरिया है, अच्छा है, पानी है, खाने को फ्रूट है, तो भालू की तादाद में कोई कमी नहीं है, दिखता है, रेगुलरली दिखता है। तो आपनी हारुति में आज इतना ही, खाल फेर मिलेंगा नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ में। तब तक आपका साथी राकेश नदियों नमती। राम राम।